नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके बीच जो जानकारी लेकर आए हैं वो नेट प्लस ब्रॉडबैंड को लेकर रहने वाली है। नेट प्लस ब्रॉडबैंड काफी फेमस हो रहा है। अगर हम पंजाब रीजन की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर सभी तमाम एरियाज में जो है नेट प्लस ब्रॉडबैंड की सबसे अधिक मांग देखने को मिलती है, क्योंकि इनके जो प्लान है वो काफी अफोर्डेबल रहते हैं और स्टार्टिंग प्लान जो है वो अब इनका 198 रुपीज से शुरू हो जाता है। ये टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सा प्लान अपने लिए लगवाना है और उसके मुताबिक आपको स्पीड भी मिलने वाली है। अगर इनका हम स्टार्टिंग प्लान की बात करते हैं तो स्टार्टिंग प्लान इनका 10 Mbps से शुरू हो जाता है। इसमें आपको 10 Mbps की स्पीड मिलेगी और साथ ही में इस प्लान की जो कीमत रहेगी वो है 198 रुपीज। जी हाँ, 198 यानी 198 रुपए में आपको 10 Mbps का प्लान मिल जाएगा जो कि अनलिमिटेड डाटा के साथ होगा। आपको कोई भी यहाँ पर लिमिट देखने को नहीं मिलेगी, अनलिमिटेड है, जितना चाहे उतना आप डाटा इस्तेमाल कर सकते हो। अनलिमिटेड आपको कॉल्स का भी ऑप्शन मिलने वाला है और ये 198 रुपीज प्रति माह का प्लान यानी कि 1 month का प्लान रहने वाला है। ये जितने भी प्लान्स के बारे में आगे चलकर हम बात करने वाले हैं इसके साथ भी, उन सभी पर आपको 18% जीएसटी को प्लस करना होगा, यानी कि 198 रुपीज के ऊपर आपको 18% की जीएसटी भी देनी होगी। उसके बाद जो आपका बिल बनेगा वो आपको पे करना होगा। चैनल पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले समय में हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जरूर मिलते रहे। चलिए इसी तरह से हम जो है इसके बाकी प्लान्स के बारे में भी बात कर लेते हैं कि अगर आप नेट प्लस ब्रॉडबैंड को लगवाने की सोच ही रहे हैं तो आपको कौन कौन से प्लान्स आप ले सकते हो। तो सबसे पहले प्लान की अगर बात कर ही ली है, अब दूसरे प्लान की बात करें तो वो इनका है सिल्वर प्लान। इस सिल्वर प्लान में जो है आपको 100 Mbps की स्पीड मिलेगी और साथ ही में जो है आपको 499 रुपीज पे करने होंगे। 499 रुपए में आपको 100 Mbps का प्लान मिल रहा है जो कि ये भी अनलिमिटेड रहेगा, अनलिमिटेड कॉल्स रहेंगी और 1 month की वैलिडिटी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद इनका प्लान आता है गोल्ड प्लान। गोल्ड प्लान की कीमत है आपकी 150 Mbps के साथ 599 रुपीज, यानी कि आपको इसमें 150 Mbps की स्पीड मिलेगी 599 रुपीज का प्लान, यानी कि 100 रुपए महंगा है और आपको 50 Mbps की स्पीड जो है वो और ज्यादा मिल जाएगी। सेम आपका अनलिमिटेड रहने वाला है यहाँ पर भी। इसके बाद इनका आता है डायमंड प्लान। डायमंड प्लान की जो कीमत है वो रहेगी आपकी 699 रुपीज, यानी कि 100 रुपए और ज्यादा, 699 रुपए का आपको मिलेगा और इसके अंदर स्पीड है वो 50 Mbps आपकी और बढ़ जाएगी और हो जाएगा 200 Mbps, यानी कि 200 Mbps आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसके बाद इनका दोस्तों आता है हाईएस्ट प्लान जो कि है प्लेटिनम प्लान और इसके अंदर आपको 250 Mbps की स्पीड मिलेगी और ये प्लान जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा आपको 799 रुपीज में, यानी कि 799 रुपीज पर मंथ में आपको ये प्लान मिलेगा और उसके अंदर आपको 250 Mbps को इस्तेमाल करने का, पर सेकंड में इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। अनलिमिटेड प्लान ये भी आपके लिए रहने वाला है। दोस्तों ये कुल मिला के जितने भी प्लान के बारे में हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है ये सभी नॉन ओटीटी प्लान्स हैं, यानी कि इन प्लान्स के साथ आप किसी भी तरह का ओटीटी का सब्सक्रिप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये विदाउट ओटीटी सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं। इसमें सिर्फ आपको डाटा कॉलिंग और अनलिमिटेड डाटा जो है इस्तेमाल करने का ही ऑप्शन मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसको लगवाने का प्रोसेस क्या है। तो लगवाने के लिए आपको सामने हेल्पलाइन नंबर देखने को मिल रहा है, इसी हेल्पलाइन नंबर पे आपको कॉल करना होगा और वहां पे आपको अपना एड्रेस बताना होगा, रिक्वेस्ट देनी होगी इसे अपने घर पर लगवाने के लिए, और या फिर आपको नजदीकी नेट प्लस ब्रॉडबैंड के ऑफिस में जाके संपर्क करना होगा। उसके बाद होगा क्या, वो आपसे जो है कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेने वाले। आपको जो मॉडेम होगा वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ही दिया जाएगा और जो केबल का खर्चा होता है वो भी आपसे नहीं लिया जाएगा। मैक्सिमम 10 मीटर की जो केबल होती है वो आपके लिए इंक्लूडेड होती है प्लान में। अगर उसके ज्यादा लगेगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा आपके घर से मेन का जो मॉडेम होता है जहां से आपको सर्विस देते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस केबल के जो है वो पे करने पड़ सकते हैं, अन्यथा जरूरत तो नहीं पड़ेगी। लेकिन किसी भी तरह का कंपनी कोई भी आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं ले रही है, मॉडेम का चार्ज नहीं ले रही है और नहीं कोई केबल का चार्ज ले रही है। आपको सिर्फ जो है इसमें मैक्सिमम मेरे ख्याल से 3 months या फिर 5 months का प्लान लेना होगा जिसकी कीमत आपको चुकानी होगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप इनमें से कोई भी प्लान चुनते हैं, 499 का आपने मान लो 100 Mbps वाला प्लान ले लिया, तो उसके बाद जो भी इसका टोटली बिलिंग होगा वो जीएसटी लगाने के बाद उसके हिसाब से आपको 3 महीने का या फिर 5 महीने का जो है एक साथ प्लान लेना होगा और उसके बाद आपको जो कनेक्शन आपके घर पर लगा दिया जाएगा। यानी कि कंपनी का कहना यहाँ पर ये है कि आपको मैक्सिमम 3 months से लेकर 5 months का जो प्लान है वो हमारा लेना होगा, उसके बाद आपकी जो सर्विस है टोटली फ्री हो जाएगी। और इसमें हमारा नुकसान भी नहीं है क्योंकि कंपनी यहाँ पर जो भी हमको प्लान दे भी रही है, मान लो आपने 3 months का या 5 months का एडवांस प्लान के साथ कनेक्शन लगवा भी लिया, टोटली आपके 5 months आपका फ्री हो गए ना। 5 months आपको कोई रिचार्ज भी नहीं कराना पड़ेगा और आपकी जो सर्विस है वो भी फ्री हो गई। तो ये तो है नहीं कि कंपनी ने आपसे कोई पैसा लिया है, कंपनी ने सारा कुछ आप ही को दिया है। तो ये काफी प्लस पॉइंट है हम सभी के लिए, और अगर कोई इंटरेस्टेड है इस ब्रॉडबैंड को लगवाने के लिए तो जल्दी में संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकता है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके जुड़ जाइएगा। नमस्कार।